देखो जस्ट मैंने अभी अभी होस्ट नाम की मूवी देखी, खत्म करी अमेज़न प्राइम के ऊपर। और उस मूवी को देखने की और खत्म करने की बाद में मुझे पूरा 2 घंटों का टाइम लगा है अपने आप को रिकवर करने में, क्योंकि इस मूवी के अंदर इतनी ज्यादा क्रिपीनेस, इतनी ज्यादा आपको सस्पेंस थ्रिलर देखने को मिलेगा ना कि वो आपके शरीर के उस हिस्से को इतना ज्यादा दर्द देगा ना जो हार्मोन्स पैदा करता है डराने वाले, मतलब कि आपके सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं वो खत्म हो जाएंगे इस मूवी को देखने के बाद में। इतनी ज्यादा डरावनी, इतनी ज्यादा हॉरर मूवी है। नहीं सच में 1 घंटे की मूवी से आप क्या ही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि 1 घंटे की मूवी आपको क्या दिखाएगी। अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड के अंदर कभी कोई 1 घंटे की मूवी बनती नहीं है, और अगर गलती से कोई 1 घंटे की मूवी बना भी देता है तो उसको शॉर्ट मूवी बोला जाता है, और उसके अंदर भी गाने और बिना मतलब की इंटीमेट सीन डाल देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि ये हॉरर मूवी है। लेकिन जिस मूवी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो आपको अमेज़न प्राइम के ऊपर हिंदी में तो नहीं मिलेगी, पर सबटाइटल्स की मदद से आप इस मूवी को देख सकते हो। और देखना नहीं है बॉस, इस मूवी को देखने के टाइम पे आपको डरना है। नहीं भी डरने की कोशिश करोगे तो भी ये मूवी आपको इतना ज्यादा डराएगी कि आपका जो कलेजा है ना वो फट के बाहर आ जाएगा। यानी कि आपको इस मूवी को देखने के टाइम पे कम से कम 2 से 3 बार पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में तो इतनी खतरनाक मूवी को देख के खत्म ही नहीं कर सकते हो, गारंटी दे रहा हूँ। मूवी की जो कहानी है वो इतनी ज्यादा सिंपल कहानी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 6 दोस्त जूम कॉल के ऊपर इनवाइट करते हैं डेविल सोल को, और थोड़ी देर के बाद जब उनको फील होता है कि डेविल सोल आ गई है और उसके बाद में जो हंटिंग शुरू होती है, जो सोल हंटिंग करना शुरू करता है, एक एक आदमी की सीटें फट जाती है। जो उस मूवी के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं आर्टिस्ट उनकी तो फटती है, और उनकी फटती हुई देख करके हम लोगों की कितनी फटती है उसके बारे में आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो, सोच के परे है ये बात। मूवी की जो मोस्टली शूटिंग हुई है वो इंडोर शूटिंग हुई है, मतलब कि आउटडोर शूटिंग नहीं हुई है, उसके बाद में भी आपको इतना बढ़िया काम देखने को मिलेगा। सारे के सारे जो कैमरा एंगल्स, कैमरा वर्क, जूम इन जूम आउट, उसके बाद में जंप स्केयर, स्पेशली इस मूवी का जो म्यूजिक है वो सीटें फाड़ने के लिए इनफ है। मतलब कि आप जब ये मूवी देखने के लिए बैठोगे तो आपको एक एक चीज आपको डिटेल से दिखाई जाएगी। इस मूवी के अंदर जंप स्केयर है, इस मूवी के अंदर बेस्ट म्यूजिक है, इस मूवी के अंदर आपको सस्पेंस, क्रीपीनेस, जो एक गंदी तरीके से डराने वाली चीज होती है ना, वो आपको इस मूवी के अंदर भर भर के देखने को मिलने वाली है। मूवी के अंदर जिस इंटेंसिटी के साथ में हंटिंग स्टार्ट होती है और उसके बाद में कितने लोग बच पाते हैं और कितने लोग नहीं बच पाते, वो सब देखने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। लेकिन 1 घंटे की मूवी को देखने के अंदर अगर आपको 1.5 घंटा लग जाता है तो सोचो उस मूवी के जो डर की हाइट है वो कितने फुट के होने वाली है। यानी कि 1 घंटे की मूवी को देखने के लिए आपको 1.5 घंटा लग रहा है, क्योंकि उस मूवी को कम से कम 2 से 3 बार तो आपको बीच में पॉज करना पड़ रहा है अपने कलेजे को रिकवर करने के अंदर। वाकई में ये जो मूवी है ये आपको बेस्ट हॉरर एक्सपीरियंस देके जाती है, तो मैं आपको अभी रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको अमेज़न प्राइम पे जाकर देख सकते हो। और वाकई में इस मूवी को देखने से पहले ये डिसाइड कर लेना कि इस मूवी को देखने के टाइम पे आपके आसपास में कोई होना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा हालत आपकी टाइट होने वाली है। और अगर आपने ये मूवी ऑलरेडी देखी खत्म कर डाली तो मुझे कमेंट करके बताना कि मूवी आपको कैसी लगी, साथ में इस वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल पर ऐसे भी आ जाते हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना ताकि जितने वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू गुड बी गुड, पीस।